साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। इस बार जो लोग ने सपने देके रखे आपकी बार 400 पार, तो अब उनका सपना सपना ही रह जाएगा। बापूजी को बरी नहीं किया गया, और बापूजी ने सबसे पहले भारत विश्व गुरु का संकल्प करवाया था, और उसके ऊपर आज जो विकास पुरुष बनने जा रहे हैं, 400 पार के सपने देख रहे हैं, उनको ये एकदम संज्ञान लेना चाहिए। तो भाई मोदी जी का जो डायलॉग चलता रहा 11.5 सालों से, जो भारत की जनता को बेवकूफ बनाते रहे हिंदू के नाम पे, ये कितना बड़ा अन्याय किए हैं। अपने देख रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी बाइकॉट किया जाएगा, क्योंकि हमने 11 साल तक उनको देख लिया है कि हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे। नहीं, हम सरकार को कहते हैं आपको सरकार चलानी है, खूब प्रेम से चलाओ, मगर एक आध्यात्मिक महापुरुष को न्याय मिलना चाहिए। आज 11 साल से जो प्रताड़ित हर क्षेत्र से किए जा रहे हैं, मोदी जी बोलते हैं मन की बात, लाखों लोगों की मन की बात सुन रहे हैं, यहाँ करोड़ों साधक लोग हैं, इनकी मन की बात नहीं सुनाई पड़ रही है। संत हिंदू महापुरुष ने पूरे भारत को जगाया, विश्व को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, और आज उसको जेल में रखे हैं। तो भारत की तमाम जनता ये जान चुकी है कि इन्होंने कितना बड़ा अन्याय किया है। हम भी चाहते हैं भारत का विकास हो, देश दुनिया में भारत का नाम हो, मगर सत्य का घात करके ये विकास कोई काम नहीं आएगा। इस बार हमारी बात नहीं मान रखी गई, बापूजी को निर्दोष बरी नहीं किया गया, तो जो लोग सपने देख रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो ये 400 पार नहीं होगा। कि अब की बार अगर कोई भी चूक हो गई तो 400 पार सिर्फ सपने में रह जाएगा। इसीलिए सरकार से, न्यायतंत्र से प्रार्थना है कि जो करना चाहिए, जो उचित है वो किया जाए। लेकिन अभी भी अन्याय की माफी हो सकती है हमारे साधकों की तरफ से, हिंदू जनता की तरफ से, अगर बापू जी को बाहर लाया गया तो। वरना 400 पार के सपने हम भी देख रहे हैं, मगर मजबूरन हम वो सपनों को चूर चूर करने में कोई देर नहीं करेंगे। और अगर बापू जी को इस बार न्याय नहीं मिला, तो इस बार अभी लाखों पब्लिक रोड पे उतर के अपनी ताकत दिखाई, साधकों ने अपनी ताकत दिखाया हुआ है, लेकिन इस बार जो लोग ने सपने देके रखे आपकी बार 400 पार, तो अब उनका सपना सपना ही रह जाएगा। बापूजी को बरी नहीं किया गया, तो हमारी गवर्नमेंट से यही मांग है कि बापूजी को निर्दोष बरी किया जाए, ताकि वो अपना राजकाज संभाले। हमें राजकाज से कुछ मतलब नहीं, हमें बापू चाहिए, हमें बापू चाहिए, और नहीं बापूजी हमें बाहर मिले तो इस बार साधक अपने पूरी तरह से मन बना लिए हैं। मुंबई में भी हुआ था, सभा हुआ था, वहाँ पर मैं मौजूद था, मैं साधकों का मन सबने बना लिया है कि इस बार जो लोग सपने देख रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी बाइकॉट किया जाएगा, क्योंकि हमने 11 साल तक उनको देख लिया है कि हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे, ना हमारे तरफ हमारे लिए कोई सरकार हमारे लिए स्टैंड ले रही है, ना हमारे लिए न्यायालय। न्यायालय पे भी तो आजकल प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि 10 साल 11 साल हो गए, न्यायालय क्या कर रही है। हमें न्यायालय पे पूर्ण विश्वास था कि न्यायालय की तरफ से हमें कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, लेकिन न्यायालय भी सो गई है, पुलिस तंत्र भी सो गया। चंचल मिश्रा जिसने इन्वेस्टिगेशन किया पूरे केस में, उसको तो अवार्ड दिया जा रहा है, उसको पोस्टिंग बढ़ाई जा रही है उसकी, तो गवर्नमेंट हमारी इसमें कुछ नहीं कर रही है। हमारे मोदी जी बोलते हैं मन की बात, लाखों लोगों की मन की बात सुन रहे हैं, यहाँ करोड़ों साधक लोग हैं, इनकी मन की बात नहीं सुनाई पड़ रही है। तो इस बार मेरा यही कहना है कि अगर इस बार हमारी बात नहीं मान रखी गई, बापू जी को निर्दोष बरी नहीं किया गया, तो जो लोग सपने देख रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो ये 400 पार नहीं होगा। साधक ने मन बना लिया है, तो हमारी यही मांग है कि बापू जी को निर्दोष बरी किया जाए। किसी भी देश का विकास आध्यात्मिकता के आधार पर ही हो सकता है, और बापूजी ने सबसे पहले भारत विश्व गुरु का संकल्प करवाया था, और उसके ऊपर आज जो विकास पुरुष बनने जा रहे हैं, 400 पार के सपने देख रहे हैं, उनको ये एकदम संज्ञान लेना चाहिए कि अब की बार अगर कोई भी चूक हो गई तो 400 पार सिर्फ सपने में रह जाएगा। इसीलिए सरकार से, न्यायतंत्र से प्रार्थना है कि जो करना चाहिए, जो उचित है वो किया जाए, और बापू जी को बाइज्जत रिहा किया जाए, यही सरकार से प्रार्थना है। हम भी चाहते हैं भारत का विकास हो, देश दुनिया में भारत का नाम हो, मगर सत्य का घात करके ये विकास कोई काम नहीं आएगा। तुर्कस्तान और ईरान की एक कथा आती है, जिसमें ईरान के महापुरुष को तुर्की लोगों ने कैद कर दिया होता है, तो तुर्क अपना पूरा राज्य देके भी उस महापुरुष को छुड़ाने की पेशकश करता है। वैसे ही हम सरकार को कहते हैं आपको सरकार चलानी है, खूब प्रेम से चलाओ,
मगर एक आध्यात्मिक महापुरुष को न्याय मिलना चाहिए। आज 11 साल से जो प्रताड़ित हर क्षेत्र से किए जा रहे हैं उनको न्याय मिलना ही चाहिए, वरना 400 पार के सपने हम भी देख रहे हैं मगर मजबूरन हम वो सपनों को चूर चूर करने में कोई देर नहीं करेंगे। ये बापूजी के संयम और सदाचार का ही परिणाम है, उनकी शिक्षा का प्रमाण है कि हम आज तक शांति से सब सहते आ रहे हैं, मगर हर चीज़ की एक सीमा होती है, तो अब की बार हम सीमा उल्लंघन करने से भी पीछे नहीं रहेंगे, वंचित कर देंगे सरकार को। रावण कौरव कंस सब धराशायी हो गए, तो अब की बार बापूजी बाहर वरना सरकार बाहर। अब देखिए क्या है, भारत की जो तमाम जनता है, वो हिंदू ही नहीं, भारत की तमाम जनता जान चुकी है कि एक हिंदू संत के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। तो भाई मोदी जी का जो डायलॉग चलता रहा 11.5 सालों से, जो भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे हिंदू के नाम पे, ये कितना बड़ा अन्याय किए हैं कि जिस संत हिंदू महापुरुष ने पूरे भारत को जगाया, विश्व को कहां से कहां पहुंचाया और आज उसको जेल में रखे हैं। तो भारत की तमाम जनता ये जान चुकी है कि इन्होंने कितना बड़ा अन्याय किया है, लेकिन अभी भी अन्याय की माफ़ी हो सकती है हमारे साधकों की तरफ से, हिंदू जनता की तरफ से, अगर बापू जी को बाहर लाया गया तो। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।